ये जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, जो 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, अगर इनका क्रैश हो जाए तो इसीलिए चाइना में हाई स्पीड ट्रेन का भी क्रैश टेस्ट किया जाता है। देखिए जिस तरीके से कारों का क्रैश टेस्ट किया जाता है और वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो गाड़ी फ्रंट से आके ठोकेगी या कोई गाड़ी आकर साइड से कार को ठोक देगी। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर की सेफ्टी बेसिस पर गाड़ियों को पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से ट्रक की टेस्टिंग भी की जाती है, जिसे हम लोग ट्रक की क्रैश टेस्टिंग कहते हैं। ट्रेन के क्रैश टेस्ट के लिए वर्स्ट कंडीशन तभी हो सकती है जब दो ट्रेनें आमने सामने से एक दूसरे के सामने आ जाएं। अब क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन्स में बहुत ज्यादा सेंसर होते हैं, तो जैसे ही कोलिजन स्टार्ट होता है सारे के सारे व्हील्स पर ऑटोमेटिकली लॉक लगना शुरू होता है। इसी वजह से डैमेज उतना ज्यादा नहीं होता है और ट्रेन सेफली रुक जाती है। यूनिक जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को लाइक।